नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। 25 तारीख को टी राजा आने वाले हैं। उससे पहले एमआईएम के एक्स एमएलए वारिस पठान ने आज मीरा भाईंदर में पुलिस कमिश्नर को आके मिलने की कोशिश की है, जबकि उन्हें वहां पे दहिसर चेक नाके पर डीसीपी गायकवाड़ ने रोक दिया है। क्या इसी तरीके की हिम्मत टी राजा के समय पुलिस दिखाएगी क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप आ सकते हैं, लेकिन क्या है, आप आने से भीड़ बढ़ेगी, वातावरण खराब हो सकता है, इसे हम आपको अलग नहीं जा सकते। आप जाने से आप निवेदन लेना है तो यही पे दे, मेरे लोग खड़े आए। हमारे लोगों के साथ कब तक इस तरह का सलूक किया जाएगा, सब बताओ ना। सब लोग हमारे सब चैलेंज करते जा रहे हैं। अरे मुझे यकीन मानो, मीरा रोड के नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे फोन करके बोला, वारिस भाई आप आइए यहाँ पर, देखिए किस तरह से कार्रवाई चल रही है। भड़का रहे आप लोगों को, ऑल पार्टीज के लोग थे और सबसे बढ़िया पत्रकार थे, उन्होंने मीटिंग आए, उसके बाद कोई नहीं आएगा इधर, तो आप उसके लिए कोऑपरेट कीजिए। मी कमिश्नर कडे जात असताना मी त्यांना सांगितलं होतं 19 तारखेला मी येईल, मी आलो, मला एक निवेदन द्यायचं आहे साहेबांना की जे लोक बाहेर वरून येऊन हेट स्पीचेस देतात, मीरा रोड भयंकरचं वातावरण खराब करतात, महाराष्ट्रामध्ये वातावरण खराब करतात, त्याच्यामुळे किती गरिबांची दुकान नष्टवापूर झाली आहे, त्याचा व्यवसाय खतम झाला आहे, मी आलो निवेदन देण्यासाठी की त्याच्या विरुद्ध आपण तक्रार घ्या, FIR घ्या, केस करा। त्याला काय नाही, मी मुंबईचा, मी एक्स एमएलए, मी ॲडव्होकेट, मी राष्ट्र प्रवक्ते, मला अशा रीतीने रोखायचे काय, संविधानची काय धज्जा व्हायची क्या त्याला। पोलिसांचं मत आहे की पोलिसांनी FIR दाखल केले, अनेक आरोपींना अटक केलेली आहे। कुठे अटक तो येणार आहे, त्याला परवानगी दिलेली आहे की तू जे येतं आणि तू वातावरण कर। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट ने आज दहिसर चेक नाके पर अपना पुलिस का पूरा पहरा लगा दिया था। दोनों ओर पुलिस पहरे में खड़े थे, रस्सियां लगाई गई थी गाड़ी रोकने के लिए। आज DCP गायकवाड़ ने वारिस पठान को रोकते हुए दहिसर पुलिस स्टेशन लेके गए और वहां पर उन्हें 144 का नोटिस दिया गया, जबकि 149 का नोटिस दिया गया, जबकि कल रात वारिस पठान को उनके घर पर 144 का नोटिस दिया गया था। उन्हें आज मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर से मिलने नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि टी राजा ने भी आने का यहाँ पे ओपन चैलेंज किया है, मीरा भाईंदर की पुलिस उन्हें आने से रोकती है चेक नाके पे, क्या इसी तरीके से उन्हें रोका जा सकता है क्या, कयास लगा जा रहा है कि पुलिस उन्हें रोकेगी और मीरा भाईंदर शहर में अमन शांति कायम बरकरार रखने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगी। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।